हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूनिक कांस्टेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो यहाँ पे मेरा सेल्स डेटाबेस सिलेक्टेड है, यहाँ पे सेल्स, और यहाँ पे चलिए एक टेबल क्रिएट करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पे न्यू, उसके बाद टेबल पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम का नेम दीजिए, यहाँ पे आईडी मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पे और डेटा टाइप, इसका आईडी का इंटीजर। उसके बाद यहाँ पे नेम, उसके बाद यहाँ पे नेम में यहाँ पे इसमें हम वर्कर दे रहे हैं, देखिए वर्कर ये है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस तो इसको भी वर्कर डाल देते हैं। उसके बाद एड्रेस, फिर हो गया फोन नंबर, यहाँ पे फोन डाल देते हैं। उसके बाद ये इंटीजर टाइप का होगा। उसके बाद यहाँ पे एज, उसके बाद एक ईमेल भी डाल देते हैं, ईमेल, ठीक है। इसको हम दे देते हैं वैड का। उसके बाद यहाँ पे एज, एज इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे हम यूनिक की और प्राइमरी की और डालने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे प्राइमरी की डालते हैं। तो प्राइमरी की और यूनिक की के बीच में डिफरेंस ये होता है कि एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आईडी में मैंने प्राइमरी की डाल दिया। अब यहाँ पे हम एड्रेस में हम प्राइमरी की डाल रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से जो था ये हटके यहाँ पे आ गया, और ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेट प्राइमरी की, तो यहाँ पे एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस है अलाउस नल। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्राइमरी की सेट किया तो यहाँ पे अलाउस नल ये हट गया। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी के अंदर आप नल वैल्यू डाल नहीं सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी हट गया था। और वही यूनिक की के अंदर आप नल वैल्यू डाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम यूनिक की दे रहे हैं फोन नंबर के अंदर। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स एंड कीज में जाइए। तो यहाँ पे ये प्राइमरी की के लिए, अब यहाँ पे ऐड करना है आपको। तो यहाँ पे इसका नाम अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए कॉलम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम मेरा सेलेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे सेलेक्ट करना है फोन, ठीक है। तो फोन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये इसको हम और यूनिक की बनाने जा रहे हैं। अगर आपको यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दो ऑप्शन है जो आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इज यूनिक की, तो यहाँ पे आपको यस पे करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे यूनिक की डाल दिया मैंने। उसके बाद अगर नेम चेंज करना है तो आप नेम चेंज कर सकते हैं। बस इतना ही, इतना करके आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं एम्प्लॉय। अब इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, तो ये सेव हो गया। अब यहाँ पे टेबल पे सेलेक्ट करके हम इसको रिफ्रेश करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे आप जाइएगा यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर, इसके बाद की के अंदर। तो यहाँ पे देखिए और दो दो की जनरेट है, पीके है और आईएक्स है, जो कि मैंने अभी जनरेट किया है। ये यूनिक की है और ये प्राइमरी की है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ और वैल्यू को इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट टॉप इतना 100। तो यहाँ पे इस तरह का वैल्यू, इसके अंदर अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे इस पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे एडिट 200। तो यहाँ पे चलिए कुछ वैल्यू एंटर करते हैं, जैसे 11111 एंटर किए। उसके बाद नाम दे रहे हैं सैम, उसके बाद एड्रेस यहाँ पे दिल्ली, उसके बाद फोन नंबर 9098, उसके बाद ईमेल abc@ और gmail.com, उसके बाद एज यहाँ पे 21। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे आईडी जो है वो प्राइमरी की है, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू आप एंटर नहीं कर सकते। चलिए चेक करते हैं, 111 दे दिए। उसके बाद यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 111 दिया, उसके बाद जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है ये प्राइमरी की कॉन्स्टेंट वायलेशन। तो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे चलिए इसका नाम चेंज कर दे 112। उसके बाद फिर से यहाँ पे तो ये देखिए फोन नंबर जो है यूनिक की है, यूनिक की में आप यहाँ पे नल डाल सकते हैं, यहाँ पे अलाउस नल डाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेम को चेंज करते हैं, नेम हो गया सैम। उसके बाद यहाँ पे डाल रहे हैं सैम। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद यहाँ पे और कोलकाता। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर क्या है, यहाँ पे यूनिक की है तो यूनिक की के अंदर 9098 यहाँ पे डुप्लीकेट फोन नंबर डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल हम दे देते हैं xyz@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे 34। तो यहाँ पे यूनिक की वायलेशन, यहाँ पे वायलेशन ऑफ यूनिक की, तो यूनिक की यहाँ पे देखिए और यूनिक की यहाँ पे देखिए फोन नंबर क्योंकि मैंने यूनिक की यहाँ पे दिया है, इसलिए यहाँ पे यूनिक की अगर देने के बाद फोन नंबर जो भी होगा यहाँ पे टेबल में वो यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट है इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर कीजिए और 9799 देते हैं। आप देखिए यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये इसने आप डाटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक मेन डिफरेंस यहाँ पे है प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर। प्राइमरी की में आप सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकता है, ठीक है, और प्राइमरी की में आप नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। यूनिक की में टेबल में जो भी होगा वो यूनिक रिकॉर्ड होगा, यहाँ पे नल भी डाल सकते हैं और एक टेबल में यहाँ पे और एक से ज्यादा यूनिक की आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैंने यूनिक की क्रिएट किया ग्राफिकली, अब यहाँ पे यूनिक की क्रिएट करते हैं क्यूरी के थ्रू। यहाँ पे सेल्स डेटा बेस सिलेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे और चलिए अल्टर और करते हैं अल्टर। उसके बाद यहाँ पे टेबल, उसके बाद टेबल का नाम है यहाँ पे एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर देते हैं कॉन्स्टेंट। उसके बाद यहाँ पे यूक्यू अंडरस्कोर एम्प्लॉय। उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इतना सारा कॉलम है तो किसमें यूनिक की आप डालना चाहते हैं तो हम चलिए ईमेल में डाल सकते हैं क्योंकि ईमेल कोई भी किसी भी आदमी का यूनिक ही होना चाहिए, तो ईमेल नहीं हो सकता तो यहाँ पे यूनिक की हम डाल रहे हैं ईमेल में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम मीनिंगफुल दे दें ईमेल। उसके बाद यहाँ पे यूनिक और कीवर्ड का यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप पास कर दीजिए ईमेल को, ठीक है। तो ये क्यूरी आप लिख के आप क्यूरी के थ्रू आप यहाँ पे यूनिक की डाल सकते हैं टेबल में। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए की में गए तो एक और नया यूनिक की क्रिएट हो गया जिसका मैंने नाम दिया यूक्यू एम्प्लॉय ईमेल, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने ये तो डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे ईमेल यहाँ पे यूनिक होना चाहिए तो यहाँ पे चलिए ईमेल को चेक करते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं मैरी, ठीक है। उसके बाद इसका नाम दे देते हैं और पटना। उसके बाद यहाँ पे और 90 इसका फोन नंबर देते हैं यूनिक। उसके बाद यहाँ पे हम abc@gmail.com एंटर कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका 40 यहाँ मैंने और डुप्लीकेट डाल दिया इसलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है यूनिक की वायरस। तो यूनिक की का मतलब ये है कि कॉलम में जो भी रिकॉर्ड होगा वो यूनिक होगा, ठीक है, और टेबल में आप एक से ज्यादा यूनिक की आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिक की यहाँ पे फोन नंबर मैंने डाला, उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी डाला। तो अगर यहाँ पे आप चेंज कर देंगे यहाँ पे ABC1 कर देते हैं तो ये यूनिक है। उसके बाद यहाँ पे टेबल में रिकॉर्ड सेव हो गया, ठीक है। तो यही है मेन डिफरेंस। तो ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी की किसी भी टेबल में एक ही होगा, ठीक है। यूनिक की यहाँ पे मैंने डाला 2 तो एक से ज्यादा हो सकता है यूनिक की। उसके बाद यूनिक की में आप नल वैल्यू भी डाल सकते हैं, प्राइमरी की में नल नहीं एक्सेप्ट करता, ठीक है।
तो ये डिफरेंस है और ये तरीका था यहाँ पे यूनिक की क्रिएट करने का। तो अगर यहाँ पे यूनिक की आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए डिलीट कर देते हैं इसको। तो इस तरह से यहाँ पे डिलीट किया जाता है, तो ये डिलीट हो गया। अब क्यूरी के थ्रू अगर आपको डिलीट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, उसके बाद इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे अल्टर टेबल, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐड की जगह ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप कॉन्स्टेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा जो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और ये जो है इसको आप रीनेम करके कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर दीजिए ये क्वेरी को, कमांड कंप्लीटेड, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यूनिक की डिलीट हो गया। तो दो तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं, एक ग्राफिकली और ये क्वेरी लिखकर आप यूनिक की को ड्रॉप कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा और समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, जरूर रिप्लाई करूंगा। तो आज के वीडियो में इतने, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।